बस्तर में अभी तक जवानों पर केवल नक्सलियों के हमलों की खबर आती थी, लेकिन अब बीती रात जगदलपुर के नए बस स्टैंड में कुछ असामाजिक तत्वों ने सीआरपीएफ के जवान पर जानलेवा हमला किया है। सीआरपीएफ जवान 229 बटालियन का है, जिसका नाम जीएल चौबे बताया जा रहा है। बीजापुर में पदस्थ ये जवान छुट्टी पर जाने के लिए शनिवार रात को बीजापुर से जगदलपुर पहुंचा था। उसी दौरान बदमाश ने जवान से बैग छीनने की कोशिश की और जवान पर 3 से 5 बार चाकू से वार किया गया है, जिससे जवान के पेट पर हाथ में गहरी चोट लगी है। रात को 2 बजे ही महारानी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया है। बता दें कि मुर्कीनार कैंप में पदस्थ 50 वर्षीय सीआरपीएफ जवान जीएल चौबे बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। बोधघाट पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महारानी वार्ड का रहने वाला है। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। हमला हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? सीआरपीएफ 229 बटालियन का एक जवान गंगा चौबे अवकाश पर रवाना हुआ था। इसी दौरान दिनांक 2/6/18 को बस स्टैंड जगदलपुर पर आरोपी द्वारा जवान के सामान लूटने की नीयत से उस पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया। तत्काल पुलिस ने आहत को महारानी अस्पताल जगदलपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया और एसपी सर के निर्देशन पर मुखबिरों की सहायता से आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी संतोषी नगर वार्ड का निवासी है और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। सर, क्या वजह हो सकती है चक्कूबाजी करने की? ये आरोपी द्वारा प्रार्थी के सामान लूटने की नियत से इस प्रकार का अपराध कारित किया गया है। क्या अभी जवान की हालत तो ठीक है? हाँ, जवान की स्थिति अभी सामान्य है और वेंटिलेटर पर रखा गया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.